शान्तं शाश्वतं परमेमनंगं निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रं शिवं मनुष्यं विधातु रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदे अहम करुणाकरं यदुवरं गोपाल नान्या सुप्रिया रघुपते हर जय सुमदे सत्यमदानी महान भक्ति रघुपुंगे काम आदि दोष रहितं कुरु काम आदि दोष रहितं कुरु ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गणेशाय नमः सब संतों के चरणों में कोटि प्रणाम संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए ऐसे इस समागम का आनंद ले रहे सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र नमस्कार। आज मैं प्रवचन में आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगी जो मेरे पुत्र विलक्षण प्रतिभा के धनी मेधावी संस्कारी प्राग सिंगला के द्वारा लिखित है। ये कविता इन्होंने यूएसए में रहते हुए वाशिंगटन में 28 दिसंबर 2008 को 11:29 PM पर लिखी थी। एक प्रेरणा से भरी हुई कविता है जिसको मैं पढ़कर बहुत प्रेरित हुई और मेरी इच्छा हुई कि हमारी युवा पीढ़ी को समाज को ऐसे विचारों से मंडित होना चाहिए तभी हम समाज की दिशा और दशा सुधार सकते हैं। तो सुनिए प्राग सिंगला के द्वारा लिखित स्वयं रचित कविता जीवन अब समाज के लिए हो समर्पित। जीवन अब समाज के लिए हो समर्पित सृष्टि का कण कण हमको करता प्रेरित। सृष्टि का कण कण हमको करता प्रेरित ये लाइन बहुत बढ़िया है। सृष्टि का हर कण दूसरे की भलाई के लिए हमें प्रेरित करता है जागरूक करता है। हमने देखा फूलों को सुगंधी सदा ये बिखेरते हैं कांटों के बीच भी रहकर देखो सदा तो ये मुस्कुराते हैं। हमने देखा नदी की धारा को निरंतर जो बहती जाती है मार्ग में आ जाए पथिक जो उसकी प्यास बुझाती है। मार्ग में आ जाए पथिक जो उसकी प्यास बुझाती है देखो उसकी प्यास बुझाती है। हमने देखा धरती माँ को अवचिर सदा खड़ी रहती है कष्ट अनेकों सहकर भी पूरी सृष्टि का बोझ ये सहती है। हमने देखा तरवर को घनी दोपहरी में ये तपते जाते हैं राई समीप आ जाए तो ठंडी छाया सबको देते हैं ठंडी छाया सबको देते हैं। जीवन अब समाज के लिए हो समर्पित सृष्टि का कण कण हमको करना चाहिए। विचारों की एक श्रृंखला आज मन में तूफान मचाती है जीवन को किस दिशा में लेकर जाए यह प्रश्न गंभीर उठाती है। यानी कि जीवन की दिशा और दशा निश्चित करने के लिए हर युवा पीढ़ी के मन में एक प्रश्न होता है। सभी तो प्रभु की इच्छा है देखो ऐसा उत्तर यह बतलाती है पर अपना भाग्य अपने हाथ में कहकर यह फिर विचलाती है। फिर विचार मन में एक ऐसा आया सब दुविधा को जिसने दूर भगाया स्वयं से ऊपर पर की आराधना स्वयं से ऊपर पर की आराधना परमानंद का यह मार्ग बतलाया। स्वयं से ऊपर पर की आराधना परमानंद का यह मार्ग बतलाया। हमको भी विचार ये देखो खूब समझ में आया समाज के लिए जीवन हो समर्पित मन में ऐसा भाव बनाया। जीवन अब समाज के लिए समर्पित सृष्टि का कण कण हमको करता प्रेरित। परवाह के साथ साथ तो
सामान्य पुरुष ही चला करते हैं, युद्ध धारा के बह जाए जो वीर उसे कहा करते हैं, युद्ध धारा के जो बह जाए जो वीर उसे कहा करते हैं। सामाजिक रीति कुरीति नीति का पालन तो सभी किया करते हैं, एक नई व्यवस्था का निर्माण कर जाए जो युग पुरुष से कहा करते हैं। क्या कहते हैं कविता में, प्रेरित करने वाली बात है, एक नई व्यवस्था का निर्माण कर जाए जो युग पुरुष से कहा करते हैं। पर डंडी बनाना ही तो है, रास्तों पे तो दुनिया चलती है। सामाजिक परिवर्तन का नियम यह है, माया और ममकार त्यागना पड़ता है, अहंकार मोर ममता को स्वयं तिलांजलि का सुनाना पड़ता है, स्वर तिलांजलि का सुनाना पड़ता है। पर हमने भी मन में ठाना है, परिवर्तन समाज में लाना है, निस्वार्थ प्रेम का आधार बनाकर समरसता का भाव जगत में जगाना है। निंदा प्रशंसा उपेक्षा में भी संभाव रख कर जाएंगे, फूलों की माला हो या सेज हो फिर कांटों का निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन अब समाज के लिए हो समर्पित, सृष्टि का कण कण हमें कर रहा है प्रेरित, सृष्टि का कण कण हमें कर रहा है प्रेरित। जीने ये राय हमको किस किस मोड़ पर लेके जाएंगी, नित्य नूतन और चिर पुरातन अनेकों अनुभव करवाएंगी। मार्ग में प्रलोभन भी अनेक आएंगे, नाना प्रकार से लुभाएंगे, कांचन और कामनी अनेकों अपनी ओर आकर्षण करवाएंगे। प्रलोभनों से बचकर चलना होगा, विरक्त भाव सदा ही रखना होगा, स्थित प्रज्ञा बनकर हमको, स्थित प्रज्ञा सा बन गीता का ज्ञान है, स्थित प्रज्ञा सा बनकर हमको मन संतुलित करके बढ़ना होगा, बढ़ना होगा। पर हमने भी मन में ठाना है, इन राहों पर चलते जाना है, केशव माधव सा बनकर हमको निर्लेप जीवन बिताना है, केशव माधव सा बनकर हमको निर्लेप जीवन बिताना है। विश्वास हमें है, इन राहों पर चलकर परम शांति का मार्ग पा जाएंगे, सृष्टि के कण कण में प्यास है जो साक्षात्कार उस परम ब्रह्म का कर जाएंगे। जीवन अब समाज के लिए हो समर्पित, सृष्टि का कण कण हमको करता पड़े। रहा इतनी ये सरल नहीं है, रहा इतनी ये सरल नहीं है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, पग पग पर ये कांटे जीवन फूलों की सेज नहीं है, सुलों पर भी चलना होगा, बैठते रक्त की परवाह नहीं करना होगा, जीवन की अंतिम श्वास तक हमको निरंतर कार्यरत रहना होगा। पर हमने भी मन में ठाना है, कठिनाइयों से नहीं घबराना है, हर चट्टान जो आ जाए बाधा बनकर चूर चूर उसे कर जाना है, रक्त की हर एक बूंद से हम स्वर्णिम इतिहास लिख जाएंगे, माँ का वैभव अमर बनाकर जीवन अपना सार्थक कर जाएंगे। जीवन अब समाज के लिए समर्पित, सृष्टि का कण कण हमको करता पड़े। बहुत सुंदर कविता, प्रेरित करने वाली कविता है। मुझे दो लाइनें अंत में याद आ रही है, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। ये लिखाने वाला भी परमात्मा की प्रेरणा है। जरा तो इतना बता दे भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, तुम्ही में रह कर मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो, कर्म भी तुम्हें हो तुम्ही हो करता, धर्म भी तुम्हें हो तुम्ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बना कर ये नाच कैसा नचा रहे हो, जरा तो इतना बता दे भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो,
भाई बंधु सखा तुमी हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, जरा तो इतना बता दे भगवन, लगन ये ऐसी लगा रहे। मुझे गर्व है, मैं उस बच्चे की माँ हूँ, भगवान ने उसको कुछ संस्कार दिए हैं, ये उसी की प्रेरणा है, उसी को समर्पित है। युवा पीढ़ी इन विचारों को लेकर आगे बढ़े, अपना रास्ता बनाए। रास्तों पर चलना साधारण बात है, लेकिन वह असाधारण पुरुष है जो नए रास्ते बनाते हैं और दुनिया को आदर्श देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सब नए रास्ते पर चले इसी प्रेरणा के साथ।